हेलो दोस्तों, मैं रंजीत। मैं आप सबको बताऊंगा कि जीजे कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और उसका रजिस्ट्रेशन हम खुद से भी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को जीजे कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। तो हम जाते हैं उसके ऑफिशियल साइट पे और देखते हैं। यहाँ पे टाइप करना है जीजे कॉलेज बीटा, आगे बहुत सारे ऐसे लिंक आएगा। और फर्स्टली में क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो जीजे कॉलेज बीटा लिंक है इस पे जनरली क्लिक कर लेना है और क्लिक करके जाना है इसके साइट पे। अब देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा है साइट, तो यहाँ मोबाइल से करने के लिए पहले हम डेस्कटॉप साइट को खोल देंगे ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। और इसके लिए हम जाते हैं कॉलेज। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 3 तारीख को ही मेरिट लिस्ट आ चुका था और पार्ट वन का लिस्ट जारी हो चुका है। हम यहाँ पे जाते हैं स्टूडेंट जोन पे। वहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट अकाउंट। तो जिन बच्चों का मतलब जो मतलब फर्स्ट टाइम जीजे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनको तो अकाउंट बनाना कंपलसरी ही है। तो जनरली कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नाम, ईमेल नंबर और पासवर्ड भरना है, उसके बाद एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भरना है, यहाँ पे नाम भर दीजिएगा ऐसे, यहाँ पे नाम भर देना है। और नाम भरने के बाद यहाँ पे एग्री करके साइनअप कीजिएगा। जैसे ही साइनअप कीजिएगा तो ये अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद जनरली स्टूडेंट जोन पे फिर से जाना है, उसके बाद जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे जो आप ईमेल दिए थे और जो आप पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना है। तो जैसे ही हम डालते हैं देखिए आ गया और हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के साथ ही खुल गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अब आ गया। अब यहाँ पे दो चीज़ आई गया है। अब किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दोनों को आ चुका है। तो इसके लिए आप अगर इंटरमीडिएट के लिए करना है तो इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे, और अगर ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन पर क्लिक करेंगे। तो यदि आप ग्रेजुएशन का करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि आप किस स्ट्रीम से मतलब अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि मेरिट लिस्ट में आप लोग ने डाला होगा, तो अगर जो बंदा बीए कॉलेज मतलब बीए लिया है तो वो बीए पे क्लिक करेगा, जो बीएससी कर रहा है वो बीएससी पे, जो बीकॉम करना चाहता है वो बीकॉम पे। तो जिसका मतलब जो लिस्ट में आया होगा अपने अनुसार देख लेंगे। तो बीएससी, अगर हम बीएससी ऑनर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाना है। और क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस करेगा, और ऐसा इंटरफेस खोलने के बाद आप लोगों के जो प्रोविजनल लेटर है उस पे एक नंबर होगा जिसको क्रेडेंशियल नंबर कहा जाता है, उस नंबर को फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। आप जो जो फॉर्म मतलब जो जो रिक्वायरमेंट होगा आप उस फॉर्म में डाल दीजिएगा और हो जाएगा, और कुछ नहीं है। बता दें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक फ़ोटो लगेगा, मार्कशीट लगेगा, SLC CLC लगेगा और पैसा। अब बता दे कि पैसा कितना लगने वाला है। तो देखिए कॉलेज के साइट पे दिया हुआ है कितना पैसा लगने वाला है, हम आपको बताते हैं। सिंपली यहाँ पे चले जाना है, कहाँ पे, तो सिंपली चले जाना है, बैक आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर चले जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन जाने के वहाँ पे नहीं, डिपार्टमेंट अबाउट कोर्सेस, डिपार्टमेंट इसकी साइट के होम पेज पे आते हैं। और होम पेज के बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएगा, इस पे एडमिशन नोटिस देखिए यहाँ पर है, इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो बता देगा। तो जैसा कि इसमें देखिए टोटल बताया गया है कि क्या क्या लगेगा और क्या क्या नहीं लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।